नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खूब दिख रही है और तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है तो सबकी निगाहें उस क्षेत्र पर हैं और साथ ही साथ उस समुदाय से हैं जो उस क्षेत्र में रहता है। ये समुदाय मुस्लिम समुदाय कहलाता है और इस समुदाय को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से इन्हें अच्छा अनुभव कराने की कोशिश करती हैं। बिहार के सीमांचल का इलाका इन लोगों के बहुलता के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जब राजनीति होती है तो इसी समुदाय के बारे में बात की जाती है। अररिया आप जानते ही होंगे और इस अररिया में अगर किसी की राजनीति चलती है तो वो है तस्लीमुद्दीन का परिवार। तस्लीमुद्दीन अब नहीं है, अब उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं और इस बार दोनों के दोनों बेटे आमने सामने हैं। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात पहले तस्लीमुद्दीन की करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से चलती हुई आ रही है और आज भी उन्हीं के नाम पर उनके बेटे जो है कहीं ना कहीं अपनी सियासत जमीन बनाने में लगे हुए हैं। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट पर तस्लीमुद्दीन परिवार का सियासी वर्चस्व 5 दशक से कायम है। जोकीहाट की सीट पर 1967 से 2018 तक 15 बार चुनाव हुआ है। इसमें 10 बार तस्लीमुद्दीन और उनके पुत्र यहां से जीते। तस्लीमुद्दीन 5 बार खुद इस सीट से विधायक रहे, जबकि उनके बड़े पुत्र सरफराज 4 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। मौजूदा समय में तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम विधायक हैं, जिन्होंने 2018 के उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। यह वो इलाका है जहां भारी गरीबी, हर साल बाढ़ से ज़िंदगी दूभर होती है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। अररिया जिले के 4 जनवरी 1943 को जन्मे तस्लीमुद्दीन ने छात्र राजनीति के जरिए सियासत में कदम रखकर सीमांचल की राजनीति के बादशाह बन गए थे। उन्होंने सरपंच और मुखिया से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक का सफर तय किया था। तस्लीमुद्दीन 1959 में सरपंच बने और 1964 में मुखिया बने। तस्लीमुद्दीन अपने राजनीतिक करियर में 7 बार विधायक, 5 बार सांसद रहते हुए बिहार से लेकर केंद्र तक में मंत्री बने रहे। 1979 में वे पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और 2014 के चुनाव में मोदी लहर में भी वे जीतने में कामयाब रहे थे। तस्लीमुद्दीन खुद जहां केंद्रीय राजनीति में आ गए थे तो अपने बड़े बेटे सरफराज आलम को 90 के दशक में ही प्रदेश की राजनीति में उन्होंने एंट्री दिला दी थी। सरफराज जोकीहाट सीट से 4 बार विधायक रहे थे। तस्लीमुद्दीन का निधन 17 दिसंबर 2017 को हो जाता है और उसके बाद जो है अररिया के सांसद की सीट खाली हो जाती है। उपचुनाव होता है, सरफराज आलम तब जदयू में होते हैं, जदयू से निकलते हैं, राजद का दामन थामते हैं और ये सीट जो है यहाँ के उपचुनाव जो है वो जीत जाते हैं। ऐसे में जोकीहाट की सीट खाली पड़ जाती है। जोकीहाट से उनके छोटे भाई शाहनवाज फिर मैदान में उतरते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं और फिर से वो भी उपचुनाव जीत जाते हैं और ये सब होता है तस्लीमुद्दीन के नाम पर। पिता के नाम पर दोनों भाई अपनी राजनीतिक करियर सेट कर चुके हैं और अब इस बार दोनों भाई आमने सामने हैं, लेकिन इस बार MY समीकरण बनाम हैदरा बिरयानी वाला समीकरण है। एक तरफ जहां सरफराज आलम अपनी तरफ से राजद के उम्मीदवार बनाए गए हैं जो कि MY समीकरण को जोड़ते हुए इस इलाके में कहीं ना कहीं कामयाबी देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहनवाज आलम हैं जो कि इस बार AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये जगह मुस्लिम बहुल है, ऐसे में उम्मीदवार भी मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन BJP की तरफ से रंजीत यादव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में जोकीहाट सीट जो है एकदम हॉट सीट बन गई है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सबकी निगाहें इस सीट पर हैं कि इस बार जीतेगा कौन। क्या भाई भाई की टक्कर में कोई एक भाई निकलेगा जो कि तस्लीमुद्दीन का असली वंशज होकर निकलेगा, या फिर भाई भाई की टक्कर में क्या कोई और बाजी मार के ले जाएगा। जोकीहाट की सीट कहीं ना कहीं इस बार हॉट केक बनी हुई है और क्या होगा ये तो 7 तारीख को EVM में कैद हो जाएगा और फिर ये सीट का जब फैसला आएगा 10 तारीख को, उस दिन ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी। या क्या तस्लीमुद्दीन के सही वंशज सरफराज हैं या शाहनवाज हैं, या फिर इस बार
इस सीट से तस्लीमुद्दीन परिवार की राजनीति को उखाड़ फेंकने में बीजेपी के ललित यादव कामयाब होंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।